अस्सलाम वालेकुम डेली न्यूज़ के साथ मैं हूं शिराज़ इकमाल। पीएचए विंग के तहत मियांवाली शहर में सफाई का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। पीएचए विंग के इंचार्ज अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। सर बताइएगा ये पीएचए विंग का अमला कितना है और कहां कहां पे ये सफाई कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, मियांवाली में मियांवाली शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पीएचए के द्वारा तशकील दिया है, जिसका बुनियादी मकसद मेन रोड की सफाई, ग्रीन बेड्स, झाड़ियों की कटाई और शहर के मेन चौक को खूबसूरत बनाना है। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमें 79 वर्कर दिए हैं, जिनको हम रोज़ाना की बनाकर एक प्लान तशकील देते हैं, जिसके मुताबिक रोज पर हम काम करते हैं और इसको बाकायदा जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेट म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली फरनाना लोन साहब चेक करते हैं। रोज़ाना के विदार पर एक ग्रुप तश्कील दिया जिसमें हाजिरी भेजी जाती है और इसमें हम इस वक्त जहाज चौक से लेकर कालाबाग चुंगी से लेकर मुस्लिम कॉलोनी मोड़ तक काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने गौसे आज़म रोड पर काम किया है, पीएफ रोड पर काम किया है और कुंदिया रोड बाईपास के साथ हमने झाड़ियों की कटाई और सफाई वगैरह की है। इसको हम मज़ीद जितने भी मेन रोड हैं उस पर हम काम करेंगे और इंशाल्लाह शहर को खूबसूरत तरीन बनाएंगे। सर ये बताइएगा ये जितने भी वर्कर्स हैं एक ही टाइम में एक ही रोड पे काम करते हैं? जी, इसको हम बाकायदा रोड प्लान के तहत मेन रोड के साथ एक ही दिन एक ही जगह पर काम करवाते हैं। अमजद बुखारी साहब की आपने बात सुनी कि 76 वर्कर जो हैं वो रोड की सफाई में मसरूफ़ हैं और डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जवेद बुराया का ये मियांवाली शहर की खूबसूरती के लिए एहसन इकदाम है। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम आपको इस हवाले से बताते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।